मैं आज इधर इलेक्शन कमीशन आया था ताकि जो हम अपने केसेस प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए, उसके लिए फॉर्म 45 की अटेस्टेड कॉपीज जो है वो हासिल करें। तो उसमें मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अजीब बातें सुनने में आ रही हैं, और काफ़ी हफ्तों से हम लगे हुए हैं और फॉर्म 45 मिल नहीं। आपको पहले तो ये याद दिला दें कि पेशावर में मुल्क की बाकी जगहों की तरह 9 सीटों पे रिजल्ट्स पहुंच करके पीटीआई को हराया गया। मेरी सीट PK79 जिसमें हैदराबाद का एरिया आता है, जिसमें मुझे 63% वोट मिला फॉर्म 45 के मुताबिक, और पूरे केपी में सबसे ज़्यादा वोट मिला। उसमें 1619 वोट लेने वाले पांचवें पोजीशन के जलाल खान साहब को PMLN के 25,114 वोट पे सबकत दी गई, और ऐसे ही पोजीशन पेशावर के 8 सूबाई हल्कों में और एक नेशनल असेंबली के हल्कों। तो फॉर्म 45 पहले तो अपलोड नहीं हो रहे थे बहुत से हल्कों के। मेरे हल्के के 19 फरवरी को एक बार अपलोड हुए, 2 घंटे में डिलीट हुए। वो जब डाउनलोड किए तो उसमें 66 फॉर्म्स में 64 में से टेम्परिंग साफ नजर आ रही थी, सोशल मीडिया पे पड़ी। उसके बाद जब मार्च में सारे हल्कों के पूरे पाकिस्तान में अपलोड हुए तो उसमें आप सबने खुद देखा कि जो टेम्परिंग और जो इनकन्सिस्टेंसी सारी नजर आ रही थी, उसने पेशावर से कराची तक यास्मीन राशिद साहिबा की हल्के पे, सलमान राजा साहब के हल्के पे, कराची पे हल्कों पे, मुल्तान के हल्कों पे, पेशावर में, कहाँ हर जगह उसने एक्सपोज कर दिया कि रिगिंग कितनी एमेचर तरीके पे। लेकिन उसके बाद केसेस डालने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है अटेस्टेड फॉर्म 45। वो पहले हम पेशावर में इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो उनके पास नहीं होते, आरओस के पास जाते हैं तो आरओस के पास नहीं होते, डीआरओस के पास नहीं होते, इस्लामाबाद आते हैं तो वो कहते हैं पेशावर जाएं। हाई कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ऑर्डर किया कि ये खत आया है मुकब्बर खान असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्शन 2 यहाँ से, और ये आया है कि आप अपने फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 के लिए स्टैम्प्स जो है वो जमा करा दें, वो आप ले लें, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000 रुपए होते ये ले लिए। अभी मेरा स्टाफ मेंबर यहाँ पे आके उसने स्टैम्प्स जमा कराने की कोशिश की तो उसको बताया गया कि अभी हम आपसे ले नहीं सकते, आप जब हम तैयार कर देंगे आप स्टैम्प्स ले लें। आपको पता कैसे होगा कि हमने एप्लीकेशन किए जब आप हमसे जो है वो फीस नहीं ले रहे? तो मैं खुद आया, अभी मुकम्मर खान साहब से बात हुई तो उन्होंने पहले कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। जब मैंने कहा आपसे मैं मिल तो लूँ, बात कर लें, लेकिन कौन से कानून के तहत कहते हैं, सुपीरियर्स ने कहा कि नहीं आ सकते, हमारे पास रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड है, कोई वोट्स तो नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि जो महीना हुआ है उसके बाद कोई कैसे इलेक्शन कमीशन में जो हो रहा है वो ट्रस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ गोल गोल जा रहे। तो अभी उन्होंने ये इंटिमेट किया है कि कल हमें जो है वो ये अटेस्टेड फॉर्म 45 मिल जाएंगे, आई होप कि मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये रहा तो फिर तो लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पे सवाल उठाएंगे ना, जो मैं बड़ी केयरफुल जुबान इस्तेमाल करके नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अगर रिगिंग की है जो हमें पता है कि हुई है वो तो ग्राउंड पे ऑफिशियल्स ने की है। तो बराए मेहरबानी जो भी अभी तक हुआ है, ये चल नहीं सकता कि पूरे मुल्क को पता हो, पूरी दुनिया को पता हो कि जो मैंडेट है वो पेशावर से कराची तक फेक है, और जो सारे प्रोसेसेस हैं, जो सारे कानून हैं, उसकी अमल दरामद इलेक्शन कमीशन में नहीं हो रही, उसकी अमल दरामद DRO ऑफिसेज या RO ऑफिसेज में नहीं हो रही। तो अगर ऐसे हुआ तो हम पाकिस्तान का मजाक बना रहे होंगे, और जो क्राइसिस खत्म करने का एक तरीका है कि इलेक्शन के दिन के जो वोट डाले गए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी बहाल हो जाए वोट गिन के, उसके बजाय क्राइसिस मजीद डीपन। बहुत बहुत शुक्रिया।